नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आइए हम आपको बताते हैं कि अपने एयर फाइबर के फॉल्ट कैसे ढूंढते हैं। ये हमारी फॉल्ट फाइंडिंग सीरीज का ही वीडियो रहेगा और इस सीरीज में हम कई सारे वीडियो बनाएंगे, जिसमें हमने पहला चैप्टर उठाया है कि जो एयर फाइबर के कनेक्शन उसमें आने वाली साधारण समस्याओं के बारे में जिनसे आप अधिकतर रूबरू होते हैं, तो उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पर बने रहें। सबसे पहला जो फॉल्ट है, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो जब फॉल्ट की बात आती है और वो भी फॉल्ट फाइंडिंग की, जिसका मतलब ये है कि हमारा, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सब सही है और कस्टमर के उसमें प्लान भी है, चलते हुए कस्टमर की समस्या आएगी और उसको हम फॉल्ट फाइंडिंग के इसमें चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर ये मान चलेंगे कि यहाँ पर हमारा सब सही और कस्टमर के उसमें रिचार्ज भी है। तो चलते हैं जो सबसे पहला फॉल्ट है, तो बात करते हैं जो सबसे पहला फॉल्ट आता है वो अधिकतर इंटरनेट कनेक्शन बंद होने का आता है। कस्टमर आपको फोन करेगा कि इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया है या बंद है, तो उस कंडीशन में आप कैसे उसको फॉलो अप लेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल ऑप्शन है, सबसे पहले जो आपका आईएसपी का पोर्टल हो उस पर आप उसके सेशन देखिए, उसका लास्ट डाउन टाइम कब था, साथ ही उसी डाउन टाइम पर और देखिए कि उस सेक्टर या मल्टी पॉइंट डिवाइस से जुड़े हुए बाकी जो आपके कनेक्शन है वो क्या चल रहे हैं कि बंद है। अगर सिर्फ उसी कस्टमर के में समस्या है तब तो उस कस्टमर का फॉल्ट होगा, लेकिन अगर आपको ये समझ में कि इस समय सेम टाइम पर कई सारे कस्टमर बंद हुए हैं, तो इसका मतलब वो फॉल्ट आपके एंड का है। आपके एंड का मतलब आप जो मल्टी पॉइंट सेक्टर लगाए हैं उसका फॉल्ट है। तो सबसे पहले तो आप फॉल्ट फाइंड करें कि आपके एंड का फॉल्ट है कि कस्टमर के एंड का फॉल्ट है। अब जब आपने चेक किया, आपको मालूम चलता है कि फॉल्ट जो है वो कस्टमर का है, हमारा सब ओके, बाकी कस्टमर चल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हम सबसे पहले करेंगे कि जिस कस्टमर का कनेक्शन बंद दिखा रहा है उसका सबसे पहले तो कनेक्टिविटी चेक करेंगे। आप अपना बिनबॉक्स खोलिए, अगर यूआईएसपी खोलिए, जो जिस सॉफ्टवेयर जिस एयर फाइबर डिवाइस का प्रयोग करते हैं वहां पर डिवाइस का लिंक चेक करिए कि क्या आपस में दोनों डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं, जुड़ी कि नहीं जुड़ी। अगर जुड़ी है तब फिर आप राउटर की सेटिंग चेक करें, राउटर में आपको मेन रूप से लाइन केबल पोर्ट ठीक और पीपीओ सेटिंग आप देखें, साथ ही ये भी देखें कि एरर कोड क्या आ रहा है, और अगर आप इतने देखेंगे तो आपका फॉल्ट सही हो जाएगा। जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आने वाले फॉल्ट है एंटीना अलाइनमेंट का, आपका एंटीना डिवाइस का घूम जाता है कस्टमर का और कस्टमर नीचे अपना चलाता रहता है, उसे पता नहीं चलता है एंटीना घूमा हुआ है, और इस प्रकार वो फोन करेगा जब बात के पता लगता है वो तो एंटीना घूमा। दूसरा फॉल्ट ये होता है कि आपका लाइन केबल खराब हो जाती है, और तीसरे फॉल्ट में अधिकतर जो कस्टमर का जब नेट नहीं चलता तो वो अपने आप से कुछ ना कुछ उसमें खिचोट पेच कर देता है जिससे उसकी सेटिंग चली जाती है, तो उसको आप पीपीओ सेटिंग आप उसको चेक कर लीजिएगा, आप पीपीओ दिए स्टेटिक से दिए तो वो चेक कर लीजिए और आपका ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं दूसरा फॉल्ट, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन फॉल्ट है, ये फॉल्ट इंटरनेट कनेक्शन बार बार बंद होना। जी हाँ दोस्तों, ये फॉल्ट जो है कस्टमर आपको शिकायत करेगा कि मेरा एक घंटे चला फिर बंद हो गया, फिर चला फिर बंद हो गया, यानी नेट पकड़ और छोड़ेगा, हो सकते है आपको 5-5 मिनट में हो। तो इस कंडीशन में सबसे पहले राउटर और डिवाइस का पावर अडाप्टर देखे, ये सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आता है तो ये आपका आता है, जो आप एडाप्टर लगाते हैं डिवाइस को बिजली देने के लिए उसकी फॉल्ट की वजह से ये फॉल्ट सबसे ज्यादा आता है। सबसे पहले आप पावर सप्लाई चेक करें दोनों डिवाइस, जो आप राउटर नीचे लगा ऊपर आपके जो भी एयर फाइबर के डिवाइस लगा उन दोनों का सबसे पहले पावर एडाप्टर चेक करें। दूसरी बात आप चेक करें उनके लाइन केबल और जो कनेक्टर RJ45 लगा उसको चेक करिए। तीसरा जो है ऊपर जो डिवाइस उसको डिवाइस को आप खोलिए और उसका एंटीना CCQ अलाइनमेंट चेक करिए ठीक, और चौथा आप जो है ये साथ में होना चाहिए, चौथा जो आपकी डिवाइस उसका भी पावर एडाप्टर चेक करें। एडाप्टर इसलिए दोस्तों क्योंकि एडाप्टर में कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है जो धीरे धीरे लीकी हो जाता है, तो वो वर्क तो करता है लेकिन सही से वर्क नहीं करता, इस वजह से डिवाइस को प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिलती और डिवाइस बार बार अपने आप में रिबूट होने लगती है, तो इसको आप जरूर चेक करें। अब अगला फॉल्ट है हमारा इंटरनेट स्पीड में बदलाव होना, यानी इंटरनेट स्पीड बार बार स्लो और तेज या धीमा तेज, ये ऐसे स्पीड होने लगती है, तो कस्टमर शिकायत करता है कि जब मैंने नेट चालू किया पहली बार
राउटर को ऑन किया तब तो नेट बड़ा तेजी से चला और 10 मिनट बाद नेट एकदम स्लो हो गए। ये भी बहुत एक कॉमन समस्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एंटीना को अलाइनमेंट चेक करें, हो सकता है एंटीना उसका प्रॉपर हवा में हिल रहा हो। कई लोग अगर पाइप ज्यादा ऊंचे जब कर दिया जाता है तो पाइप ऊपर बहुत हिलता है, उस कंडीशन में आप सबसे पहले एंटीना के अलाइनमेंट चेक करें। अगर बहुत ज्यादा हिल रहा है तब भी समस्या आएगी, या फिर जब हवा बहुत तेज चलती तब भी ये समस्या आएगी। तो अगर मौसम की वजह से है तो आप कस्टमर को बता दीजिए कि मौसम सही होने के साथ ही आपकी स्पीड प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसका सिग्नल और CCQ चेक करें। कई बार दोस्तों सिग्नल आपको बढ़िया मिलेगा जितना मैसेज किया था, लेकिन CCQ डाउन होने की वजह से आप वहां पर स्पीड का ये स्लो का इशू आएगा। तीसरा सिग्नल का जो मैंने बोल दिया। चौथा एक चीज और होता है कि कस्टमर को पता नहीं होता और कस्टमर अपना पासवर्ड कई लोगों को वाईफाई का बांट देता है, जिसकी वजह से वो मान लीजिए कि 50 MB का प्लान लिए लेकिन उसके राउटर में 10 लोग और जुड़े हैं, और वो सभी लोग जब डेटा यूज करते हैं तो मेन कस्टमर जो उसको डेटा प्रॉपर मिल नहीं पाता और वो स्पीड स्लो होने की वजह का शिकार हो जाता है। ये भी आप जरूर गौर करें, साथ ही इस कस्टमर का डेटा हिस्ट्री निकाल लीजिए कितना यूज कर, उसको बताइए कैसी समस्या है। चौथी चीज, जो विंडोज 10 या 11 जो नए लैपटॉप है उनमें ऑटो अपडेट ऑन होता है, इसलिए अगर कस्टमर कंप्यूटर या लैपटॉप लगाए अपने नेट से तो जैसे ही वो नेट पाता है तो अपडेट होना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसके कंप्यूटर में भी नेट स्लो चलता है और साथ ही क्योंकि बैकग्राउंड में अपडेट होता है और भाई भी अपडेट होते हैं, इस कारण उसको स्पीड स्लो मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन फॉल्ट थे। अगर आपकी नजर में और कोई फॉल्ट एयर फाइबर संबंधित हो तो आप जरूर कमेंट करें और हमें बताएं, हम उसको आपके सामने लाएंगे और उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सुलझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस स्टडी में भी आपको और वीडियो बने जिसमें आपके FTTH के फॉल्ट, OLT संबंधित फॉल्ट, ONU संबंधित फॉल्ट और साथ ही सिस्टम के लाग देखकर किसी ONU या OLT का एरर पता करके उसको परमानेंटली समस्या का समाधान करने की भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को मदद मिल सके। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कमेंट कर कोई अगर आपसे संबंधित वीडियो हो तो जरूर शेयर करें, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।